ये मेरे हर सू एक सुकून सा क्या है, खामोशी में छुपा जुनू सा क्या है। बाहर एक तूफान है बरपा और अंदर सन्नाटा। सोचता हूं ये सब क्यों है, क्या है। ये मेरे हर सू एक सुकून सा क्या है। खुद से आशना तो पहले भी था, शायद ये खुदी से शनासाई का सिलसिला है। अकेला तो पहले भी था, लेकिन इस तन्हाई में एक सुरूर सा क्या है। ये कैसा मौजजा है, ये मेरे हर सू एक सुकून सा क्या है। अपने मकान में बंद होकर मैं लामकान हो चुका हूं। अपनी गिरह खोलते खोलते खुद पे आयां हो चुका हूं। पर ये राज राज रखने में भला है कि मेरे हर सू ये सुकून सा क्या है। हर लम्हे में एक फसाना है मौजूद, मेरे अपनों में एक बेगाना है मौजूद, जो मेरी दास्तां मुझे सुना रहा है, जो देख सका न मैं वो दिखा रहा है। मैं शोरो गुल का हूं बासी, ये मेरी एक सजा है, मगर ये मेरे हर सू एक सुकून सा क्या है। कोई फासला बाकी न रहा, जाम तो है साकी न रहा। मेरा तखय्युल अब सरापाए एहतजाज नहीं, मेरा हुनर किसी तखलीक का मोहताज नहीं। मेरा कलम हर जानिब वावेला मचा रहा है, पर मेरे हर सू एक सुकून सा क्या है। मेरी दुनिया अब बदल चुकी है, इसमें मेरा अब वजूद क्या है। जो था वो गुजर गया, अब जो है वो मौजूद क्या है। सितम जो ढाया तूने जिगर को चीरता चला गया, अब मेरे कल्ब में ये सुकून सा क्या है। करार अगर है तो फितूर क्या है, मोहब्बत अगर है तो गुरूर क्या है। ठुकराया गया तो क्या, पाया गया तो क्या, छुपा है घर तारीकी में तो तेरा नूर क्या है। तुझे पाने वाले तो अपना आप खो बैठते हैं, पर अपने ही आप में मुझे ये सुकून सा क्या है। मेरी हकीकत मेरे जाने के बाद समझ जाओगे तुम। उम्मीद करता हूं अपने ही लिए सवर जाओगे तुम। बाद में पछताने वाले हजार बार बिखरते हैं, समेटे ना सिमटे हाथों से फिसलते हैं। अगर मुझे जान पाओ तो ये भी जान लेना कि मैं कौन हूं और मेरे हर सू ये सुकून सा क्या है।